देखते रहिएगा टीवी 786। जी यहाँ लंदन में ड्रामा होने जा रहा है खबरनाक के हिसाब से ना, खबरनाक लोग, खबरनाक लोग, और माशाल्लाह ये सारे लोग भी खबरनाक भी हैं, खतरनाक भी हैं, हैरतनाक भी हैं। हैरतनाक तो इनका करेक्टर था जो ज़बरदस्त था और बहुत ज़्यादा इंजॉय करो है, और बड़ा डिफरेंट सा करेक्टर था इनका। और हम इनसे पूछते हैं कि ये आपने इतनी तैयारी कहाँ सोच के, किस तरह आपने अपने आप को रेडी किया सहजन जी? ये ड्रामा सारा तैयार करवाया है सखावत नाज साहब ने, और जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, एक्टर भी हैं पाकिस्तान से, तो उनकी और हमारी सारी टीम की कोशिश के वजह से ये ड्रामा इतना अच्छा तैयार हुआ। ठीक है, ड्रामा तो अच्छा था, उसको जिस तरह आपने पेश किया उस ड्रामे को, उस करेक्टर को आपने पेश किया, बिल्कुल नेचुरल, आपकी शख्सियत से बिल्कुल हटके था, ना पता चल रहा था आप ठीक है, ना पता चल रहा था आप कुछ अजीब सी शख्सियत थी आपकी, जो इतना मतलब कि एंजॉय किया लोगों ने, समझ नहीं आ रही थी कि आप ड्रामा कर रहे हैं या क्या कुछ पी के कर रहे हैं। आप बताइए अपने करेक्टर के हिसाब से। नहीं नहीं, इनका स्टाइल ऐसा है, स्टाइल ऐसा है, वो मैं कह रहा उतर टोन जानना तुझे की कर रहे हैं, नहीं वो स्टाइल ही ऐसा है, वो ना घूम घूम के बातें करता हूँ डीली डीली से। अच्छा, तो आप इंग्लैंड में पहले कभी आए? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ पे ऑडियंस को देख कर? बहुत अच्छा लगा, इतने प्यार करने वाले यहाँ पे हैं, जैसे हम पाकिस्तान में हैं और होते हैं ड्रामा करते हैं, जैसे वहाँ से वहाँ की पब्लिक हमें प्यार करती है, वैसे ही यहाँ की पब्लिक ने हमें प्यार किया। जी जी बिल्कुल। तो आपको कैसे मतलब पाकिस्तान में जब आप ड्रामा करते हैं तो आपको लगता है पब्लिक का क्राउड वो ज्यादा एंजॉय करने वाला या अच्छा, या यहाँ पर कोई फर्क नजर आता है या के? नहीं नहीं नहीं, तो तकरीबन फर्क कोई नहीं है, उतना एंजॉय हमें लोग अल्लाह की तरफ से वहाँ करते हैं उतना ही इधर करते हैं। बहुत आपका तो करेक्टर काबिल तारीफ है, मैं तो कहूँगी लोगों को कि बार बार देखें इनके इन ड्रामों को, जो स्पेशली जब ये मुल्क से दूर इतनी दूर आते हैं तो इनकी हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी जितनी भी यहाँ पे रहती है अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए इनका ड्रामा देखने ज़रूर है। और हमारे साथ आफरीन साहब भी हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह खूबसूरत बातें की और इतनी भोली भाली बातें करके भी इन्होंने इतना हंसाया लोगों को, और माशाल्लाह इनसे बात करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल के फर्स्ट टाइम यूके में आना हुआ, और यहाँ पर आकर हमें लगा नहीं कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं, यहाँ की जितनी पब्लिक थी हमें लग रहा था कि पाकिस्तान में ही ड्रामा कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत रिसेप्शन और इतने मज़े के लोग हैं और इतने अच्छे हैं और सच्चे और मोहब्बत करने वाले, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं, अपना ही मुल्क लगा ये भी पाकिस्तान ही है। और कितने सालों से आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए, 8 ईयर मतलब चल रहा है, 2007 से मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा भी फर्स्ट टूर है, इनका भी फर्स्ट टूर है, और कुछ आर्टिस्ट हैं उनका भी फर्स्ट टूर है, और बहुत अच्छा रहा, ड्रामा है, खबरनाक लोग और खतरनाक लोग। और ये बताइए कि आप अभी कितने ड्रामे लाइफ में कर चुके? जी माशाल्लाह अनगिनत ड्रामे ही हैं, 2007 से स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल उसके बाद ब्रेक नहीं लिया, स्टिल ड्रामे चल रहे हैं, थ्रू आउट चल रहे हैं। जब आप ड्रामा करती हैं तो आपके साथ जाहिर है सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद आपको अभी कुछ सीखना है इनसे, या आपको कंफर्टेबल फील करती हैं उनके साथ? मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आई, तब से लेके अब तक मैं सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक समंदर है कह लें, और सारी ज़िंदगी इंसान इसे सीखता रहता है, सीखने का अमल जारी रहता है, ख़त्म नहीं होता, और जहाँ मेरे सीनियर्स हैं, सीनियर्स ही से मैंने सीखा है अब तक, और मज़ीद सीखती हुई आ रही हूँ, उन्होंने शुरू से लेके अब तक गाइड किया और आज तक करते आ रहे हैं, और मज़ीद करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बहुत इन्जॉय किया लोगों ने, और यहाँ पे इंग्लैंड पे ये ड्रामा करने आते हैं, जब भी आते हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए आप लोग ज़रूर आया करें, इन्जॉय किया करें, अपना टाइम अच्छा स्पेंड किया करें। थैंक यू सो मच। लोगों के लिए बेसिकली हम लोगों की पेरेंट्स यहाँ पे बेसिक हमारे पास वहाँ टाइम नहीं होता, वाकई सही बात है, और जो टाइम हम निकालते हैं वो आपकी मोहब्बत है जिसके लिए हम निकालते हैं, तो काइंडली आपकी मोहब्बत की हमें भी ज़रूरत होती है उतनी ही जितनी कि आप हमसे चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देखते रहिएगा TV 786।